और मुझे लग रहा है मैंने सवाल पूछ लिया तो क्या भरत जी नाराज तो नहीं हो गया? बड़े उदास दिख रहे हैं। क्या बीजेपी की हार ने आपको उदास कर दिया है? क्या कांग्रेस की जीत ने आपको उदास कर दिया है? ये क्या कारण है कि आपके सर पर ये दुख के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं? क्या हो गया भरत जी? अब आप इस दुख में आपने माइक भी म्यूट कर रखा है। प्रज्ञा जी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। और हार और जीत की बात नहीं है, लेकिन आज भारतवर्ष में एक 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 आत्मचिंतन का दिन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में अकेले अपने दम पर प्रज्ञा जी चुनाव लड़ा था, इतनी रैलियां करी, इतनी रोड शो किए, तो उस अकेले अपने दम पर अपने चेहरे पर जब चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनाव बुरी तरीके से हार चुके हैं। इसको बुरी तरीके से हारना कहेंगे कि जो पार्टी 104 पर थी वो 65 पर आकर सिमट गई है, और कांग्रेस जिसको 113, 111, 12 और 120 तक पहुंचाया जा रहा था एग्जिट पोल में, और वो 136 पर पहुंच गई है। तो इसको आप प्रचंड, इस जीत के आगे आप प्रचंड जीत लगा सकती हैं। लेकिन अब कर्नाटक से आगे सवाल ये उठता है कि क्या जो जीत की टॉनिक भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को दी है, क्या वो टॉनिक 2024 के चुनावों में ऊर्जा देने का काम करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में कर्नाटक नहीं हारना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद एक ये स्टैंडर्ड सेट करना चाहती थी प्रज्ञा जी, कि उत्तर प्रदेश में जैसे दोबारा कोई सरकार नहीं बना पाता था, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई, वैसे ही कर्नाटक में था कि कोई दोबारा सरकार में वापस नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी ये एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी कि कर्नाटक में हम वापस आएंगे, हम दोबारा से सरकार बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो सपना अधूरा रह गया। और सबसे बड़ी बात प्रज्ञा जी ये है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और आज की भीतर खाने की खबर प्रज्ञा जी, दिल्ली से हमारे जो साथी बता रहे हैं, वो खबर ये है कि चैनलों पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाने से मना किया गया है, संपादकों ने सही है। मना किया है ये कि सही है, ये नरेंद्र सही है। मोदी जी कि नरेंद्र मोदी जी की फोटो नहीं लगेगी, राहुल गांधी की भी फोटो नहीं लगेगी। राहुल गांधी जीते हैं इसलिए नहीं लगेगी, नरेंद्र मोदी हारे हैं इसलिए नहीं लगेगी, इनकी जगह पर दो फोटोएं लगाई जाएंगी, एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हारे हैं तो जेपी नड्डा हारे हैं, जीतते तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जीतते। लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और ये मैं थोड़ी सी बात, थोड़ा समय और लूंगा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा प्रज्ञा जी। कर्नाटक में ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है प्रज्ञा जी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे की भी हार है, जो एजेंडा हर प्रदेश में, हर चुनाव में, छोटे से बड़े चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सेट करती है। वो सेट हुआ एजेंडा भी कर्नाटक में हारा है। आप उंगली पर गिन सकती हैं, कर्नाटक चुनाव के समय ही केरल आया, केरल वो फिल्म, जो केरला फिल्म आई, वो फिल्म कर्नाटक के समय जी वो आई, उसके बाद कर्नाटक के समय ही बजरंग बली आए। आप पुराना इतिहास देखेंगी तो कर्नाटक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई थी, हिजाब वहीं से आया, कर्नाटक से ही आया, बुर्का कर्नाटक से ही आया, हलाला आया था कर्नाटक से ही आया था। कर्नाटक उत्तर भारत में होने वाले चुनावों को मुद्दा सप्लाई करने वाला एक राज्य था, और उस मुद्दा सप्लाई करने वाले राज्य में, सप्लायर जिसको कहते हैं, सप्लायर में, सप्लायर के यहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई है प्रज्ञा जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहां से मुद्दों की खेप आती थी, सप्लाई होती थी, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई है। ये छोटी बात नहीं है प्रज्ञा जी, और यही कारण है
कि जिस दिन एग्जिट पोल आया था उस दिन गोदी मीडिया के तमाम वो एंकर जो दिस का तत्काल में डेट कर लेते हैं उन एंकरों के चेहरे उतरे हुए थे। और आज भी एक क्षण ऐसा आया था प्रज्ञा जी, सुबह जब हम और आप लाइव पर बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में एक समय में बहुमत का आंकड़ा क्रॉस किया था, 113 से ऊपर रुझानों में गई थी, और उस समय भारत के जितने टीवी चैनल हैं उनमें ये चीख चीख कर कहा जाने लगा था कि मोदी मैजिक चल गया है। और उसके बाद जैसे ही टैली डाउन हुई, नीचे आना शुरू हुई, वैसे ही ये कहा जाने लगा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी इस वजह से हारी है क्योंकि कर्नाटक में जेपी नड्डा जी ने टिकट गलत बांट दिए हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो प्रज्ञा जी, कर्नाटक की जो हार है वो बहुत मायनों में बहुत बड़ी है अगर आप ऐसे देखेंगी। आप एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरे तमाम, मैंने 13-14 न्यूज चैनलों में काम किया है प्रज्ञा जी, आज मैंने जब बात की उन न्यूज चैनलों में, हम और आप जब भी उन न्यूज चैनलों में, थोड़ा सा समय लूंगा सर मैं, जब हम और आप जब भी उन न्यूज चैनलों में जाते हैं वहां के लोग, अब जैसे प्रज्ञा जी आपने कहा कि वो काम करते हैं, ये सब बात सच है कि न्यूज चैनलों में लोग नौकरी कर रहे हैं, बात बिल्कुल सच है, लेकिन भीतर से वो उतने ही दुखी हैं जितना एक आम आदमी दुखी है नौकरी ना मिलने पर, रोजगार ना मिलने पर, आमदनी ना होने पर, जितना दुखी है उतने वो भी दुखी हैं, लेकिन वो टीवी पर ये बात कह नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, उनकी सैलरी वहीं से आती है। आज की जब मैंने प्रज्ञा जी चर्चा की तो उस चर्चा के दौरान मुझे ये मालूम चला कि वहां पर चैनलों में ये मैसेज दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जी की फोटो कहीं पर लगानी नहीं है, और एक बड़ा मैसेज और दिया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीती है उसको फोकस करिए, मींस उत्तर प्रदेश को फोकस कीजिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। और आप जब दिन उलट कर जाएंगी चैनलों पर तो आप पाएंगी कि आज की तारीख में सारे न्यूज चैनलों के ऊपर निकाय चुनाव, क्या आपने कभी देखा कि राज्य, किसी राज्य का चुनाव हो और निकाय चुनाव हो, दोनों की टैलियां अगल बगल चल रही हो, फलानेपुर ढिमकानेपुर, फलाना खेड़ा ढिमकाने खेड़ा बगल में चल रहा है, ऊपर कर्नाटक चल रहा है, बगल में दूसरे राज्य की बात चल रही है और उधर गांव खेड़े गली की बात चल रही है। आज से पहले इतिहास में प्रज्ञा जी, आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा कि अगर कहीं निकाय चुनाव और राज्य के चुनाव क्लैश करते हैं तो दोनों बराबर से चलें, और दोनों बराबर से सिर्फ इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत को भी उसी बराबर दिखाना है, उसी के बराबर प्रोजेक्ट करना है कि हम एक राज्य हार गए तो क्या हुआ, लेकिन हमने इतनी पंचायतें, इतने मेयर, इतने वार्ड, इतने पार्षद भारी मात्रा में, प्रचंड मात्रा में जिता लिए हैं। तो आज की तारीख में प्रज्ञा जी, कर्नाटक की जीत भारतीय जनता पार्टी हार, कर्नाटक की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए सदमे से कम नहीं है, और ये जीत कांग्रेस के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। मैं इतनी बात कहकर मैं मौका देना चाहूंगा अमिताभ सर को, मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया प्रज्ञा जी, इसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं भरत जी, आपकी बात वाजिब रही।